हाय, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ इन खबर और मैं हूं विष्णु शर्मा। सेक्रेड गेम्स 2 के जो 8 एपिसोड आए हैं उनका रिव्यू लेकर हाजिर हूं। असल में पहले बता देता हूं कि मैंने अभी तक 2 एपिसोड देखे हैं, क्योंकि 2 फिल्में मिशन मंगल और वो देखनी थी रात में, तो मैं 2 एपिसोड का रिव्यू आपके लिए लेकर आया हूं, इसलिए निराश ना हो। लेकिन इन 2 एपिसोड्स के जरिए मैं आपको एक बात साफ तौर पर कह सकता हूं, अगर आपने सेक्रेड गेम्स की पहली सीरीज़ के सारे एपिसोड देखे हैं तो आप बिना देर की इसको देखिए। वैसे भी मैं नहीं कहूँगा तब भी आप देखेंगे, और अगर आपने नहीं देखे थे अब तक सेक्रेड गेम्स तो उनको भी देख डालिए और इनको भी देख डालिए। वाकई में गजब है, फिर से मेहनत हुई है, भले ही डायरेक्टर नए हैं नीरज देवान अनुराग कश्यप के साथ, और जो 3 नए चेहरे इसमें लॉन्च किए गए हैं वो 3 नए चेहरे हैं। रणवीर शौरी एक आतंकी के रोल में होंगे, कल्कि कोचिन, कल्कि जो पंकज त्रिपाठी हैं, पंकज त्रिपाठी क्योंकि पहले से इंट्रोड्यूस थोड़े से हो चुके हैं, एक बाबा के रोल में हैं और आध्यात्मिक गुरु के रोल में है, उनकी शिष्या के तौर पे हैं। और तीसरी हैं सुभाष विक्रम जो एक रॉ ऑफिसर के रोल में है। तो कैसे कहानी आगे बढ़ती है वो बड़ा दिलचस्प है, कि कहानी बॉम्बे से निकलकर कैसे केन्या पहुंच जाती है, और केन्या से पहले एक समंदर में मिलता है गाय तुंडे नवाजुद्दीन सिद्दीकी। 40 दिन से वो एक अंधेरे कुएं में फंसा हुआ है, जहां ऊपर से उसको मछली फेंक दी जाती है, वो खा लेता है, बंधा हुआ है। ऐसे में कैसे वो जी रहा उसको मालूम नहीं है, और जब वो किसी भी तरह से बाहर निकलता है तब वो पता चलता है कि एक बोट में है, जो बोट ऐसे ही तैर रही है, और आसपास दूर दूर तक समंदर नहीं है, अफ्रीका में है वो, और वहाँ से अगर वो तैर के बॉम्बे आना चाहता है तो उसे 188 साल लगेंगे। कहानी को इस तरह से सोचा गया है, विक्रम चंद्रा के नोबेल पे है, तो किस जबरदस्त तरीके से कहानी को ले जाया गया, और केन्या में उसे कौन मिलता है, उसे वोट पर किसने डाला, ये बड़ा दिलचस्प सवाल है। रॉ की ऑफिसर है जो गाय तुंडे का इस्तेमाल करना चाहती है, उसे डबल एजेंट बना के, जो लोग ISI को, जो नशीले पदार्थ सौदागर हैं, दुबई और केन्या में अपना बिजनेस चलाते हैं, ISI को एक तरह से मॉनिटरी हेल्प करते हैं, ऐसे लोगों को रॉ बर्बाद करना चाहता है और उसके लिए गाय तुंडे को इस्तेमाल करता है। इधर गाय तुंडे परेशान हैं जो, और उधर दूसरी तरफ सरताज यानी सैफ अली खान परेशान है, क्योंकि वो जिस तहखाने में त्रिवेदी उसे मिला था वहाँ इन्वेस्टिगेशन करता है, कुछ चीज़ें निकल के आती हैं, बड़ी जो बात थी जिसके लिए कहा गया था कि बस त्रिवेदी बचेगा, उसका जवाब मिलता है। दरअसल एक बड़ी कंसाइनमेंट जो क्रेन से लापता हुई है यूरेनियम की, वो 600 किलो यूरेनियम इन लोगों के हाथ में, आतंकियों के हाथ में है, और वो इंडिया लाया जाना है। पूरा PMO तक इसमें इन्वॉल्व है, सरताज SIT हेड करता है, उन लोगों को पकड़ने की कोशिश करता है, और ये सारी कोशिशें, इतना बड़ा जो बवाल है वो आपको दिखाई देगा, और तमाम सारी चीज़ें और लड़कियां, गालियां, वो सब सेक्स सब कुछ इसमें देखने को मिलेगा, और वो गाली वाले डायलॉग के साथ जो पॉलिटिकल कमेंट्री बीच बीच में, जो पॉलिटिकल घटनाएं हुई हैं, 94 से चलेगा, फिर दोबारा वो सब होगा, और वो आप देखेंगे और आपको मज़ा आएगा। 8 एपिसोड कोशिश करिए कि एक फुर्सत में निपट जाएँ, वाकई में कमाल है, ज़बरदस्त है, आप छोड़िएगा नहीं। तो बड़ी खबरों के लिए, जो बाकी बड़ी खबरें उनके लिए इंडिया न्यूज़ देखते रहिए, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।